हाय फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट दी स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम। यहाँ पे हम एक बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर कमिंग लेक्चर्स में हम बहुत अच्छे से हर चीज को पढ़ेंगे। तो उसको स्टार्ट करते हैं हम। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो मून होता है वो आपका सबसे ज्यादा ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है स्काई में ड्यूरिंग द नाइट टाइम। तो आपको यहाँ पे ये चीज मैं मेंशन कर दूं कि यहाँ पे जो हम कह रहे हैं कि ये ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है स्काई में कब है, ड्यूरिंग द नाइट टाइम। तो ये हमने स्पेसिफिक पॉइंट बता दिया है कि हाँ इस टाइम पे ये होता है। तो जो आपकी स्टार्स है, प्लैनेट्स है, मून है और बाकी जो ऑब्जेक्ट्स आपके स्काई में प्रेजेंट है उन्हें हम क्या कहते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज। तो ये आपकी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर सेलेस्टियल बॉडीज। सो यू हैव टू राइट द स्टार्स, द प्लैनेट्स, द मून एंड ऑल द अदर ऑब्जेक्ट्स दैट आर प्रेजेंट इन आवर स्काई, दीज आर कॉल्ड द सेलेस्टियल बॉडीज। सो दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ मून। दीज आर द टू चिल्ड्रन जो मून देख रहे हैं नाइट में। सो नाइट में आपको मून वैसे भी बहुत ब्यूटीफुल लगता है एंड एट नाइट इट इज द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट दैट यू कैन सी इन द स्काई। सो ये हमारी छोटी सी बिल्कुल इंट्रोडक्शन थी। अभी हम अपने कमिंग लेक्चर्स में इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। थैंक यू।